तो कैसे हो मेरे प्यारे भाई बंधुओं। तो भाई आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ हाउ टू मेक ईजीएस्ट गन पाउडर फार्म इन माइनक्राफ्ट, जो कि हमारे माइनक्राफ्ट बेडरॉक एडिशन, जावा एडिशन एंड पॉकेट एडिशन तीनों में ही वर्क करने वाला है। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। तो भाई चलो लेट्स बिगिन। तो भाई सबसे पहले आपको आना पड़ेगा एक विच हट में, और भाई विच हट में आते ही आपको यहाँ पे जो है जितना भी अंदर का सामान है आपको इस सारा का सारा तोड़ना पड़ेगा। और मैं इस वाले फार्म को वो सर्वाइवल में बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको किसी भी टाइप की डिफिकल्टीज फेस करने को ना मिले। और भाई यहाँ पे जैसे आपको ये काम हो जाए, इसके बाद आपको जो ये वाला ब्लॉक जो मैंने तोड़ा, आपको ये सेम टू सेम ब्लॉक तोड़ना है। और यहाँ आपको अलग टाइप का ब्लॉक लगाना है, जैसे कि यहाँ मैंने स्मूथ स्टोन लगाया। और भाई इस पर आपको इस साइड के तीन ब्लॉक्स को तोड़ के यहाँ पे लगाना है कॉबलस्टोन। और गाइस आप लोग एक बात का ध्यान रखना कि ये जो हमारा फार्म है ये पूरा कॉबलस्टोन से ही बनना चाहिए, क्योंकि इससे इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा रहती है। और भाई जैसे आप लोग ये सारा काम कर लो, फिर आपको जितनी भी एक्स्ट्रा ब्लॉक्स दिख रहे हैं, जितनी भी एक्स्ट्रा वुड दिख रही है, आपको इस सारी की सारी तोड़ देनी है। तो गाइस जैसे हमारी ये पूरी विचर टूट जाए, फिर हमारे पास ये बीच के चार ब्लॉक्स बचेंगे जो कि हमने लगाए थे। और फिर आपको यहाँ पे लगाना है टेम्प्रेरी ब्लॉक, और इस पे यहाँ पे ऊपर चढ़ने के बाद में हमको बनानी होगी एक बाउंड्री, जैसे कि यहाँ पे मैं भी बना रहा हूँ। और ये बाउंड्री भी कॉबल स्टोन से ही बनेगी। और जैसे ही हमारी पहली लेयर यहाँ पे कम्प्लीट हो जाए, हमें सेम टू सेम इसके ऊपर एक और लेयर लगानी पड़ेगी, और वो भी कॉबल स्टोन की होनी चाहिए। तो गाइस अब जो हमारा मेन ब्लॉक है हमें इसके ऊपर लगाना है ग्लास। और भाई इसके बाद हमें नीचे के जो तीन कॉबलस्टोन है हमें इन्हें तोड़ देना है। हाँ गाइस ये तीन कॉबलस्टोन टूटेंगे सिर्फ, बाकी कॉबलस्टोन को मत तोड़ना। और भाई नीचे कूदते ये जो हमारा नीचे का टेम्प्रेरी ब्लॉक है आप लोग इसे भी तोड़ देना, क्योंकि इसका भी अब आगे जाके कोई काम नहीं है। और भाई जैसे ये वाला टूट जाए, इसके बाद हमें लगाना यहाँ पर नीचे एक और कॉबलस्टोन। और भाई इस नीचे लगाना है हमें इसके बाद एक सिंपल पिस्टन। यस गाइस स्टिकी पिस्टन मत लगाना, हमें यहाँ पे सिंपल पिस्टन लगाना है। तो गाइस अब तुम्हें यहाँ पे तीन पिस्टन और लगाने हैं दो दो ब्लॉक की गैप में। तो भाई यहाँ देखो लगाया मैंने, और फिर दो ब्लॉक का गैप लूंगा और यहाँ पे एक और पिस्टन लग जाएगा। वापस से एक दो ब्लॉक का गैप, वापस से एक और पिस्टन, और ये कुछ इस टाइप का सेटअप बनके रेडी हो जाएगा, जो कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। और भाई अगर कॉम्प्लिकेटेड लगे तो भाई तुम लोग रिवाइंड करके भी देख सकते हो। और जैसे भाई इतना पार्ट रेडी हो जाए, इसके बाद हम यहाँ पे लगाने चालू करने हैं ऑब्जर्वर। और यहाँ पे देखो मैं इस वाले पिस्टन से स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम लोग किसी भी पिस्टन से स्टार्ट कर सकते हो। और जो तुम्हारा शुरुआत का ऑब्जर्वर रहेगा वो भाई तुम्हारी तरफ रहना चाहिए, और इसके बाद तुम लोग भाई उससे अटैच करते हुए सारे ऑब्जर्वर लगाने होंगे। बस एक बात का ध्यान रखना, जिस तरीके से यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ तुम्हें सेम टू सेम उसी तरीके से लगाने हैं। और भाई मैं फटाफट से इसे लगा देता हूँ, और जब तुम लोग इसे फाइनली देखोगे ना तो यहाँ पे एक टाइप का स्क्वायर बन के रेडी होगा, जिसके सारे एरो ना एक डायरेक्शन पे पॉइंट कर रहे होंगे, जो कि अभी देखो तुम्हें दिख रहा होगा। और ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, और इस कुछ इस टाइप का देखने में लगेगा ये। इसके बाद तुम्हें यहाँ पे सिंपली जो है पिस्टन पे लगाना है लीवर, और इसे चालू करके देखना है, जो कि देखो शुरुआत में नहीं हुआ, तुम वापस से करोगे तो पूरा का पूरा चालू हो जाएगा। और ये जो है बन गया है हमारा किलिंग चैम्बर, पर अभी भी इसमें एक चीज़ की कमी है, जो कि भाई यहाँ पे ट्राइडेंट। भाई उसके लिए हम लोग सिंपली एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा ट्राइडेंट है हम लोग इसको थ्रो करेंगे सामने वाले पिस्टन पे एकदम मस्त तरीके से, और ये कुछ इस टाइप से लग जाएगा। अब जैसे ही मैं इसे स्टार्ट करूँगा तो देखो यहाँ पे जो हमारा ट्राइडेंट है ये मूव करना स्टार्ट कर दिया है, इसका मतलब हमारा किलिंग चैम्बर मस्त तरीके से रेडी हो चुका है। तो कैसे अगर तुम्हारे ट्राइडेंट की हेल्थ कम भी है, जब भी इस वाले फार्म में कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम लोग कितनी भी हेल्थ का ट्राइडेंट फेंक सकते हो और ये बराबर वर्क करेगा। अब इसका तुम लोग यहाँ पे इस वाले लीवर को तोड़ दो, जैसे कि यहाँ पे मैंने तोड़ा है। अब तुम्हें यहाँ पे लगानी है भाई एक कॉबलस्टोन की लेयर यहाँ जितने भी पिस्टन और ऑब्जर्वर हैं उनके पास में, और भाई इसको ना तुम्हें वापस एक पूरा स्क्वायर टाइप में कंप्लीट करना होगा। तो बस लेयर कंप्लीट होती है, अब तुम लोग यहाँ पे लगा सकते हो लीवर। और भाई इस बार भी ध्यान रखना कि तुम्हारा जो लीवर है वो भाई लगना चाहिए पिस्टन पे ही, अगर तुम लोग पिस्टन के अलावा ऑब्जर्वर पे लगाओगे तो ये वर्क नहीं करेगा। और भाई देखो यहाँ पे एकदम मस्त तरीके से वर्क कर रहा है। इस बार हम लोग यहाँ पे सिंपली जो है जितने भी ऑब्जर्वर हैं और जितने पिस्टन हैं हमें इन्हें ऊपर से भी कवर करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। और मेरे पास अभी गलती से इन्फेस्टेड कॉबलस्टोन है, तो भाई तुम लोग इनको मत लेना, वैसे तुम्हें मिलेंगे भी नहीं, ये सिर्फ क्रिएटिव में मिलते हैं। तुम्हें यहाँ पे जो है कॉबलस्टोन का यूज़ करना है। और भाई यहाँ पे कुछ इस टाइप से बन चुका है, और भाई इसके बाद हमें इसे जो है पूरा ऊपर से भी कवर कर देंगे। तो बस अब हमें बनाना है अपने लिए एक अंडरग्राउंड बेसमेंट टाप, जहाँ पे हमारा बनेगा पूरा का पूरा कलेक्टिंग सिस्टम, और यहाँ पे हमारा सारा का सारा गन पाउडर आके कलेक्ट होगा। और भाई यहाँ पे ना तुम्हें सिंपली जिस तरीके से यहाँ पे मैं कर रहा हूँ तुम्हें सिंपली सेम इस तरीके से करना है। और तुम लोग अब देख सकते हो जब मैं यहाँ नीचे आ चुका हूँ, और जब मैंने ऊपर वाला ब्लॉक तोड़ा तो यहाँ मेरे को दिख रहा है पिस्टन। तो क्या जैसे तुम्हें पिस्टन दिख जाए, इसके बाद तुम्हें सिंपली यहाँ पे सामने के ब्लॉक को तोड़ना है, और भाई अब बनेगा हमारा मेन कलेक्टिंग सिस्टम। और भाई यहाँ पे जो पिस्टन है ना, तुम लोग इसे चाहो तो ऊपर से कवर भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पिस्टन की बस हमें पोजीशन देखनी थी, हमें इससे कुछ ज़्यादा
मेजर काम नहीं था। और यहाँ पे जैसे हम लोग कर लेंगे तो भाई यहाँ हमें जो अब मेन इसे पूरा का पूरा रूम टाइप में करना पड़ेगा, और यहीं पे हमारी चेस्ट लगेगी और यहीं पे हमारे हॉपर लगेंगे। और देखो मैंने इसे कुछ इसे इस टाइप से कर दिया है। यहाँ पे सिंपली मैं ये वाले ब्लॉक्स तोड़ दूंगा और यहाँ अपनी चेस्ट को मैं लगा पाऊंगा इजिली। यहाँ पे चेस्ट के लिए तुम लोग एक और काम कर सकते हो, नीचे के ब्लॉक्स को तोड़ सकते हो और भाई यहाँ पे तुम सिंपली अपनी चेस्ट को प्लेस करो। यहाँ इसका तुम्हें लगाना है हॉपर, और भाई हॉपर को तुम्हें लगाना होगा यहाँ पे क्राउच होके। यस गाइस, क्राउच होके लगाना, और क्राउच होके फिर तुम्हें यहाँ पे लगाना है इसके ऊपर में एक रेल, और भाई रेल के बाद तुम्हें यहाँ पे लगाना है इसके ऊपर एक माइंड कार्ड विद हॉपर। और जैसे ये इतना रेडी हो जाए, हमारा पूरा का पूरा कलेक्टिंग सिस्टम रेडी है। और यहाँ पे तुम लोग कॉबलस्टोन लगा सकते हो ताकि जो हमारी माइंड कार्ड विद हॉपर है ये नीचे जाके ना गिर जाए। और ये हमारा पूरा सिस्टम रेडी हो चुका है। अब सिंपली तुम लोग यहाँ पे स्टे के सिस्टम बनाओ और ऊपर की तरफ आ जाओ। तो बस अब तुम्हें ये जो ऊपर का एरिया तुम्हें इसे कवर करना है वो भी कॉबलस्टोन से, ताकि यहाँ पे अंदर की तरफ डार्कनेस प्रोड्यूस हो और हमारे जो मॉब है वो स्पॉन होना चालू हो और वो मरना भी चालू हो जाए। और भाई जैसे ये पूरा ऊपर का कवर हो जाए, इसके बाद तुम्हें यहाँ पे लेना है स्कार्फ फोल्डिंग, और तुम्हें यहाँ पे टोटल 32 स्कार्फ फोल्डिंग चाहिए होंगे। और जैसे ये 32 स्कार्फ फोल्डिंग तुम्हारे पास आ जाए तो मैंने सिंपली जो है प्लेस करना स्टार्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। और जैसे ये हमारे टोटल 32 स्कार्फ फोल्डिंग प्लेस हो जाए, इसके बाद तुम्हें यहाँ पे जो है टॉप एरिया पे पहुँच जाना है आराम आराम से। और ना आराम आराम से आना, अगर बाई चांस गिरे तो मौत पक्की है। और अगर जैसे तुम लोग टॉप पे आ जाओ, अब तुम्हें यहाँ पे बनाना है अपने लिए एक एयर के स्पॉट, ताकि तुम लोग यहाँ पे एयर के हो सको बिना किसी प्रॉब्लम के। और इसके लिए तुम लोग यूज़ कर सकते हो टेम्प्रेरी ब्लॉक्स अपने, और यहाँ मैं डर्ट का यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे तुम्हें सिंपली जो है चारों तरफ इस साइड से कुछ लगाने होंगे टेम्प्रेरी ब्लॉक्स, और जैसे ही लग जाए फिर तुम्हें जो है इसके ऊपर लगाने होगा ग्लास, जैसे यहाँ पे मैंने लगाया है। और यहाँ पे देखो दो लेयर में तुम्हें ग्लास को लगाना है, सिंगल में लगाओगे तो ये एयर के स्पॉट किसी काम का नहीं रहेगा। और यहाँ पे सेफ सेम तरीके से हमें चारों तरफ करना होगा ताकि हमारा पूरा का पूरा एक चैम्बर टाइप बन के रेडी हो जाए। तो गाइस अपने ऊपर के एरिया को कवर ध्यान से कर लेना, नहीं तो यहाँ पे फैंटम आके तुम्हें पक्का मार जाएगा एएफके के टाइम पे। और जैसे ही ये काम रेडी हो जाए, अब तुम्हें यहाँ पर जो है नीचे का जो हमारा किलिंग चैम्बर है उसे भी ऑन करके आना होगा। बाई चांस अगर तुम्हारा ऑन है तो भाई तुम लोग उसे ऑन छोड़ दो, पर मेरा यहाँ पे ऑफ है तो फटाफट से नहीं चलते, नहीं तो यहाँ पे रात भी हो जाएगी। और यहाँ पे गाइस मैंने इसे ऑन कर दिया है, और जैसे ही ऑन हो जाए तुम लोग यहाँ पे वापस से ऊपर जाके एएफके रह सकते हो। और यहाँ भाई मैंने दिन कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को रात में रहना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो यहाँ मैं 2 मिनट के लिए एएफके रहने वाला हूँ ताकि मेरे को पता चल सके कि ये वाला फार्म सही से वर्क कर भी रहा है या फिर नहीं। तो गाइस पूरे 2 मिनट हो चुके हैं, भाई हम लोग फटाफट से जाके चेक करते हैं कि ये हमारा फार्म सही से वर्क कर भी रहा है या फिर नहीं। और भाई अगर बाई चांस तुम्हारा 2 मिनट में वर्क ना करे ना, तो तुम लोग 10-15 मिनट भी एएफके रह के चेक कर सकते हो, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि यहाँ पे जो हमारा ये फार्म है कभी कभार अटक जाता है। और यहाँ देखो मेरे को 6 XP मिली भाई एकदम से, मतलब कि यहाँ पे भाई आई थी विचेस वगैरह, और यहाँ पे हमें भाई गन पाउडर भी गारंटेड मिला होगा। अब तुम मैं से कई सारे लोग कह रहे होंगे विचेस का क्या काम है, तो पहले बता दूं ये वाला फार्म हमारा क्रीपर फार्म नहीं है, ये हमारा विचेस फार्म है। और भाई यहाँ पे देखो हमें इससे भी गन पाउडर देखने को मिला है, 2 मिनट के अंदर हमें 6 मिला है जो कि भाई सही है। यहाँ पे कुछ हमें रेड स्टोन, कुछ ग्लो स्टोन, कुछ शुगर, और साथ में 3-3 हीलिंग के पोर्शंस भी देखने को मिले हैं जो कि यार कम नहीं है। तो भाई तुम लोग इस वाले फार्म को प्रेफर कर सकते हो शुरुआत के टाइम पे। और अगर तुम्हें भाई कोई बड़ा फार्म चाहिए जैसे कि नॉर्मल हमारा क्रीपर फार्म होता है, अगर तुम्हें उसकी वीडियो चाहिए तो भाई तुम लोग नीचे फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। अगर ज़्यादा कमेंट्स आए तो मैं उसकी वीडियो भी बहुत जल्द लेके आ जाऊंगा। तो गाइस बस आज की वीडियो को ले इतना ही, अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट जाकर इस वीडियो को लाइक करना, साथ में जाकर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करना। और भाई लाइक तो प्लीज कर ही देना क्योंकि रीच अभी बहुत सारा डाउन है। और भाई तुम लोग जैसे कि मैंने कहा तुम लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो वीडियो आइडियाज, साथ साथ में जो मेरा इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक है वो नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में दे रखा है मैंने, तुम लोग चाहो तो वहां जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो और मुझसे बातचीत भी कर सकते हो। बाकी मिलता हूं मैं तुम सबको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।